नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज फोरम फोर की टीम पहुंची है दिल्ली विश्वविद्यालय के जुबली हॉल। बेहतर पर्यावरण बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या जरूरी है, आइए जानते हैं कुछ लोगों से। बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा आगाज़ है। दिल्ली में भी एक गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी है कि भाई जो प्रोविजन हुआ था उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अभी मिलकर बैठते हैं दिल्ली के अंदर जो लाख लगाने का कारखा चल रहा है, ग्रीन कवर बढ़ने की कोशिश किया है सरकार, अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। एक चीज़ की जो कमी थी वो भी अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में वो ठीक हो जाएगा, और वो थी एक कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच की जिसमें कि आसपास के राज्यों को मिला के उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए, तो उस दिशा में एक कदम तो उठा है। सो उम्मीद कर सकते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम दूर देखते हैं, पास देखने की कोशिश करते हैं। हमें पास देखने निकल सकता है। हमने ग्लोबल वार्मिंग पर बात करी है, पॉल्यूशन करने में बात करी, हमने प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर डिस्कशन करी है, लेकिन मछली की बहुत तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी अपनी जिंदगी के, इसको हमको दूर करना पड़े। और हमको समस्या की जो बड़ी सी दीवार है इकोनॉमिक जुड़ी हुई, इससे एक खिड़की खोलनी पड़ेगी, और मैं इसको खिड़की खोलना चाहता हूँ कि आज हम जहाँ अपने आप में लगाए हुए हैं, ऐसे लाइट लगाए और ऐसा करके हम की रोशनी से पेड़ लगाना पर्यावरण दिवस के दिन, तो पेड़ लगा के वो पेड़ लगाने वाली सेल्फी से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, अपने संकल्प से बचा पाएंगे। हमें अगर करना होगा आने वाली पीढ़ी को बिना कर सकते। तो गवर्नमेंट के तर्ज पे तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो चल रहे हैं, मगर हमें बेसिक एजुकेशन जो प्राथमिक शिक्षा है उसी स्तर से आपको लोगों को ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा ये नहीं देखता है एक पौधा को संरक्षण करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब तक ये कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे बचपन में हर एक आदमी गुलेल बनाने के लिए पेड़ पूरा काट कर ले आते हैं, जबकि उसको गुलेल बनाने के लिए सिर्फ एक टहनी चाहिए। जब तक बच्चा ये नहीं समझता है मुझे पूरा पेड़ काटने की जरूरत है, सिर्फ टहनी काटना है, तब तक किसी न किसी जगह में जब आबादी इस तरह से बढ़ जाएगी तो पानी का संकट तो हमेशा होगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हम कोशिश यही करते हैं सबसे ज़्यादा जो पौधे कार्बन को सबसे ज़्यादा ले सकते हैं अपने मात्रा में, अपने वेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा कार्बन को वो संरक्षण कर सकते हैं, उस पौधों को किस एज में क्या क्या हिसाब से वो फिजियोलॉजी चेंज होती है उसको हम स्टडी करते हैं, ताकि जब वो नेटिव प्लांट्स को हम प्लांटेशन करेंगे ताकि उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पर्यावरण में है उसकी किस हिसाब से हम रिड्यूस करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं रोड साइड प्लांटेशन कम कर, उसके ऊपर इतना डस्ट हो जाते हैं लीव्स के ऊपर, उस वजह से उसकी कार्बन ग्रहण करने की क्षमता जो है सबसे कम हो जाती है। हम ये देख रहे हैं कौन सी पौधे हैं जिसमें ऐसी पोल्यूशन होने के बावजूद भी कार्बन ग्रहण करने का शक्ति कंटिन्यू कर, और किस वजह से, तो उस तरफ की काम से हम ये कोशिश कर रहे हैं पर्यावरण में। सबसे बड़ा संदेश है जियो और जीने, ये बहुत बड़ा फ्रेज है, इसको हमें बड़ी ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि हम जब तक वृक्ष नहीं लगाएंगे तब तक बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो माइक्रो इकोसिस्टम है, हम उनको जीने नहीं देते, हम उनको उखाड़ रहे। विकास के नाम पर एक बोर्ड जो लगा है शहरीकरण के नाम पर, हम अपने ही साथी मित्रों को उखाड़ करके अपने को विकसित करने के बोर्ड में लगे। ये तब तक
संभव नहीं हो पाएगा जब तक आप दूसरे को जीने का उपयोगी माहौल दें, फिर वो आपको जीने के योग्य शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध स्थान प्रदान करेंगे। उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पर्यावरण प्राकृतिक से जो हमें मिलता है, हम उसका कंज्यूम करते हैं, उसको उपभोग करते हैं, तो हमें उसका संरक्षण करना चाहिए और ये सिर्फ उनका कंज्यूम उपभोग ही नहीं करना चाहिए, उसका संरक्षण करके ताकि भविष्य में हमें फिर कोई समस्या उस तरीके की प्राकृतिक से ना झेलनी पड़े, प्रकृति जब हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए वो दिन ना देखने पड़े हमें। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ और जागरूक